हेलो एवरीवन, वेलकम टू फरहत किचन रेसिपी। आज हम किचन में फिर से हाजिर है। आज हम आलू मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, जो बहुत ही टेस्टी बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है। तो चलिए किचन में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पत्ते गोभी को धुल के काट लिया है अच्छे से, उसके बाद यहाँ साइड में रख दिया। उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पे आलू को काट लिया, आलू को छोटे पीसेस में काट लिया है। अब एक बर्तन में सरसों का तेल डालेंगे, उसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पे हमने बड़ी को डाल दिया है तोड़ के। उसके बाद ये हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम हरी मटर डालेंगे छील कर। तो यहाँ पे हमने हरी मटर डाल दी है एक कटोरी तक। अब इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से चम्मच से चला के। फिर इसके बाद इसमें हम पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्ता गोभी को हमने काट के वॉश कर लिया है, उसके बाद इसमें डाल दिया है और इसे चम्मच से मिला देंगे ऊपर से नीचे की तरफ से। इसी तरीके से अगर आप पत्ता गोभी मिला देंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। उसके बाद इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू डालेंगे, फिर नमक एक टीस्पून तक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार और इसे चम्मच से चला के इसको अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद इसे ढक के रख देंगे भाप में। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, पत्ते गोभी में पानी ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे अब हम ओपन करके देख लेते हैं, भाप में सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई है। और इसमें ये देख सकते हैं ये पानी भी छोड़ दिया है। ये देखिए साइड में पानी है, ये आपको दिख रहा होगा। इस पानी को इसी में रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आलू भी हमारी गल गई है। अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और दूसरी साइड हम सरसों का तेल डालेंगे एक बर्तन में। तो इसे हम साइड कर देते हैं पहले। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। चलिए अब दूसरी साइड तेल डालते हैं। यहाँ पे सरसों का तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसमें हम सरसों के तेल में थोड़ा सा एक टीस्पून तक मेथी डालेंगे, मेथी थोड़ा सा चटक जाए। उसके बाद इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे और प्याज और हरी मिर्च को भी लाल कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद दूसरे साइड हम एक बर्तन में यहाँ एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और एक चम्मच तक इसमें थोड़ा नमक और डालेंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और इसे भिगो के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। दूसरी साइड अब हम देख लेते हैं, यहाँ प्याज हमारी पूरी तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से हो गई है, मिर्च भी इसके साथ हो रही है। अब इसमें हम इसी गरम मसाले को जो हमने मसाला तैयार किया हुआ भिगोया हुआ है इसको इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरीके से आप बराबर से चला के भूनते रहिए। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा स्किप हो गया है। उसके बाद भूनने के बाद इसमें हम टमाटर एक दो टमाटर ले लेंगे और इसको काट लेंगे। काट के इसी मसाले के साथ गलने तक के लिए भूनते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मसाला बहुत ही टेस्टी बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम भाप में जो सब्ज़ी हमने बनाई थी पत्ता गोभी की उसको इसमें डाल देंगे। उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ से चलाते हुए अच्छे से इसे पहले हम मिला लेंगे कायजे से और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये बिना पानी की ही सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। इसे पूरी पराठा रोटी के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चावल से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब्ज़ी में पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसमें गार्निश के लिए ऊपर से हम इसमें हरी धनिया डाल देंगे। ये सब्ज़ी अगर आप एक बार बनाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।